डायरेक्टर ने बड़ा सही किया है। मतलब स्टार्टिंग के एपिसोड में, पहले एपिसोड में उन दोनों के बीच जितना प्यार दिखाया है, और मतलब बाद में उसकी डेथ हो जाएगी तो मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। तो ये डायरेक्टर ने एक ऑडियंस को मतलब एक कनेक्ट करने के लिए बहुत सही गेम खेला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शन। दिस इज़ रेहान। हेलो गाइस, दिस इज़ गिनी। सो वी आर बैक अगेन, और आज हम रिएक्शन जो लेकर आए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ARY डिजिटल का एक नया ड्रामा है जिसका नाम है हसद। इसका हम OST देखने वाले हैं आज, इसका सॉन्ग देखने वाले हैं जो गाया है सहर गुल ने। तो हसद का मीनिंग होता है, मैंने अपनी अम्मी से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले ही, जलन। और हमने सोचा कि इसका फर्स्ट एपिसोड देख लेते हैं पहले, क्योंकि हमने सोचा पहले फर्स्ट एपिसोड देख लेंगे तो सॉन्ग जो है इसको फील कर पाएंगे हम, सॉन्ग हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका फर्स्ट एपिसोड हमने देखा है आज, और लगा है कि यार पूरा सीरियल जो है हसद के ऊपर ही बना है। बिल्कुल, जलन पे बना है यार। इसमें मतलब एक फैमिली दिखाई गई है, मतलब एक दो भाई रहते हैं एक फैमिली में, उन दोनों की जो वाइफ रहती है उसमें से जो बड़ी वाले बंदे की वाइफ, भाई की वाइफ रहती है देरानी, वो जेठानी वो देरानी से बहुत मतलब जलती है, वो हसद होता है उसे, क्योंकि शायद छोटी वाली जो रहती है उसका हस्बैंड उसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ। और बड़ी वाली जो रहती है उसका हस्बैंड बिजी ज़्यादा रहता है। हाँ, उसको टाइम नहीं दे पाता है। हाँ। तो इस कारण से वो जलती है, बड़ी वाली छोटी वाली से जलती है। और ये सही भी बात है कि अपने मतलब एक हस्बैंड को उसकी वाइफ को जो है टाइम देना चाहिए, वाइफ टाइम मांगती है, वाइफ को लगता है टाइम तो टाइम उसको देना चाहिए। और मेरे दो कुछ दोस्तों के भी इसी बात पे झगड़े होते हैं मतलब मतलब लड़की उनको का ड्रीम होता है। हाँ। कि उसका हस्बैंड उसे प्यार से रखे, उसे टाइम दे। और किस किस लड़की का ये ड्रीम है कमेंट करके अभी से बता दो उनको कैसा हस्बैंड है। हाँ सही है, सभी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी वाली जो उसका हस्बैंड उसे घुमाने ले जाता है, मूवीज पे ले जाता है फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा। हाँ। और बड़ी वाली जो रहती है उसका हस्बैंड, हाँ, कुछ नहीं, दिन भर ऑफिस में बिजी रहता है, है, लेट नाइट आता है और फिर इससे उनके झगड़े होते हैं। हाँ, तो मतलब वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो बड़ी वाली जो रहती है उसके साथ वही हो जाता है, वो जरीन नाम है उसका, उसके साथ यही हो जाता है। मतलब दिन भर फ्री रहती है, उसका हस्बैंड बिजी रहता है, और आजकल सास की सेवा तो बहुत कम बहुएं करती है मतलब लॉजिकल बातें, देखा है ये अभी हो ही रहा है। और मेरे कुछ दोस्तों की भी वाइफ यही कंप्लेन करती है कि आप तो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हो, ये वो मुझे टाइम नहीं देते, ये वो तो मुझे भी डर लगता है कभी कभी शादी करने से क्योंकि यार सच में डर लगता है शादी के बाद से तुम फिर वीडियोस में ज़्यादा होगे ना, शादी के बाद टाइम नहीं दे पाओगे तुम। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा शादी के बाद डर लग रहा है पर जो भी होगा कोशिश करेंगे सब ठीक रहे। बाकी छोटे वाली जो उसमें है उसका हस्बैंड बड़ा प्यारा है यार, वैसे हस्बैंड होना चाहिए। हाँ मतलब सबको सबके सब, होना सब चाहिए, सब चाहते हैं। अगर जो भी लड़की देखेगी वो यही चाहेगी कि उसका हस्बैंड वैसा हो। उसके हस्बैंड का नाम अहमद है, शायद अहमद है, और उसका नाम है नैन तारा। नैन तारा नाम बहुत प्यारा लगा मुझे, नैन तारा। वो बंदी भी बहुत प्यारी है, मीनल खान। मीनल खान की वजह से भी बहुत सारे लोग ये सीरियल देख रहे हैं, क्योंकि मीनल खान के फैंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे मीनल खान से अच्छी उनकी बहन जो है एमन खान, वो लगती है। तुमने शायद उनको देखा नहीं अभी। हाँ, मैंने नहीं देखा। एमन खान बहुत मुझे मीनल खान से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। कौन कौन मेरी बात से अग्री करता है लाइक करो और कमेंट करके भी बता दो। और हमने मेन रीज़न यही था हमारा ये ड्रामा देखने का कि इसके OST पर हम रिएक्शन करने वाले थे, तो हमने सोचा ड्रामा देख लेते हैं और उसके बाद समझ में आ जाएगा OST जो सॉन्ग है इसका। तो इसी वजह से हमने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा, लेकिन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये आगे भी देखना चाहिए। देखना चाहिए, मैं तो ज़रूर देखूंगी तो लग रहा है कि हमें ये आगे भी देखना चाहिए। गिनी ने भी
पाकिस्तानी एक सीरियल देखा है सुनो चंदा, जो कि इसे बहुत पसंद आया था। तो अब लग रहा है कि ये भी हम देखने वाले हैं, हो सकेगा तो पॉसिबल हुआ तो हम इसके और एपिसोड्स के भी रिव्यू करेंगे। तो कौन कौन ये चाहता है वो भी कमेंट करके बताओ। आज बहुत सारी चीज़ें आपके पास है कमेंट करने के लिए, तो जो जो हमने बोला है वो आप कमेंट करो। और हम इसका ओएसटी अब जो सॉन्ग है वो देखने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूँ, एज़ यूजुअल हमारे पास परमिशन नहीं है इसके ओएसटी पर रिएक्शन करने के लिए, तो इसे हम अपलोड कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। तो ओएसटी का रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो आपको फेसबुक पेज पर देखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसका सिर्फ रिव्यू करेंगे। मर जाता है क्या इसका हस्बैंड? ऐसे ही लग रहा है। आप जलते हैं। बिग बैंग एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स। ये ड्रामा जो है मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि इसमें पता चला हमें कि इसका जो हस्बैंड है वो आने वाले एपिसोड में उसकी डेथ होने वाली है, और गोली गिरता हुआ एक सीन है, तो मुझे लगता है गन लगने से उसकी मौत होने वाली है। और ये डायरेक्टर ने बड़ा सही किया है, मतलब स्टार्टिंग के एपिसोड में, पहले एपिसोड में उन दोनों के बीच इतना प्यार दिखाया है, और मतलब बाद में उसकी डेथ हो जाएगी तो मतलब ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। तो ये डायरेक्टर ने एक ऑडियंस को मतलब एक कनेक्ट करने के लिए बहुत सही गेम खेला है, पर ये ऑडियंस की फीलिंग के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के। और उसके बाद उसका जो भाई है वो उसको प्यार करने लगता है, उसका भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है नयनतारा की तरफ, ये इसमें जो देख कर हमें लग रहा है अभी तक। और मुझे लगता है कि जो उसकी जो उसका जो भाई रहता है ना, बड़ा भाई उसका, जो मतलब जो वाइफ का जो एक छोटा भाई और है, जो उसकी जेठानी रहती है ना, हाँ, उसका भाई भी है, वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट, तो चलो गलत नज़र डालते हैं, तो मुझे लगता है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, क्योंकि गर्ल्स को हमारे समाज में गर्ल्स को ब्लेम ज़्यादा कर देते हैं लोग, मतलब लड़के को नहीं देखते, गर्ल्स को ही ब्लेम कर देते हैं। तो वो चीज़ इसमें भी दिखाई जाएगी, और बहुत मतलब अब तो और ज़्यादा मन हो रहा है इसके आने वाले एपिसोड देखने का। लेकिन यार ये बहुत इमोशनल होने वाले, तो कहीं ना कहीं एक डर भी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सीरियल्स मैंने देखा है मोस्टली बहुत हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब हद पार इमोशनल होते हैं, और मतलब वो ऐसा लगता है कि यार रियलिटी में वो शूट ऐसा करते हो जैसे रियलिटी में चल रहा है सब, तो खतरनाक होने वाला है। सॉन्ग्स के बाद उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे, इस सॉन्ग के लिरिक्स भी बहुत प्यारे थे, आवाज़ भी सहर गुल खान की बहुत प्यारी आवाज़ थी, और जिस तरह से गाया उन्होंने कि आवाज़ में दर्द लग रहा था जो इस सीरियल में होना चाहिए, जो इस सीरियल में इस लिरिक्स की लाइंस में होना चाहिए वो दर्द उनकी वॉइस में दिख रहा था। और डायरेक्टर हैं इसके आबिस रज़ा, ARY पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा बनते हैं, मतलब ये नंबर वन चैनल है पाकिस्तान का, जैसे यहाँ पर कलर्स नंबर वन पे शायद है, वैसे वहाँ पर नंबर वन चैनल है। पर ये है कि इनके ड्रामा जो है यूट्यूब पर हम फ्री में देख सकते हैं, हमें हॉटस्टार की यहाँ पर मेंबरशिप लेना पड़ती है, फ्री में नहीं देखने को मिलते हैं। पर ये ड्रामा बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और हो सकेगा तो हम देखेंगे। एक रिव्यूअर की नज़र से देखो ना तो आप कभी इमोशनल नहीं होंगे, तो मैं तुमको कहना चाहूँगा एक रिव्यू की नज़र से देखना कि मुझे इसका रिव्यू करना है, कि डिटेल देखना, क्योंकि बहुत सारे गिनी बहुत इमोशनल भी है, तो गिनी की तरह कई लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, और चलो इस बारे में बात नहीं करते पर अगर हम एज ए रिव्यूअर रिव्यू के हिसाब से देखेंगे इस ड्रामे को, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। वैसे तो मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, तो स्टोरी बहुत अच्छी बनाई डायरेक्टर ने, कि बांधे रखेगी आपको कि अब क्या होने वाला है इसमें। वही वही, तो वो पहला एपिसोड देख लिया हमने, ऊपर से इसका ये सॉन्ग देख लिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे देखना पड़ेगा। अभी तक इसके दो या तीन एपिसोड आए हैं अभी तक इसके, हमने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, वो भी इसका सॉन्ग देखने के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूरा देखना पड़ेगा। फिर अभी के लिए आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमारा रिएक्शन कैसा लगा है, रिएक्शन आपने फेसबुक पे देखा होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक मारना, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी यूज़र आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको,
तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक लव नॉट वॉर.